ये देखो। ओहो क्यों है नहीं गलबात। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे हो गए। तो भाई बस अब निकलने लगे हैं, रेडी हो गया हूँ मैं, गीता मैंने पढ़ ली है और बस अब निकलते हैं। खाना भी हो गया है मेरा। आज हमने जाना है, बताऊंगा जहाँ पे लास्ट ईयर गए थे हम, जहाँ पे रुके थे उस होटल में जाना है। आपको दिखाता हूँ वो होटल भी कैसा है, गैलेरिया। बस अब निकल रहे हैं हम यहाँ से और रूम देखो कितना गंदा हो रखा है, लेकिन जब हम आएंगे तो क्लास होगा, ये करके चले जाते हैं सफाई। चलो बिना कुछ देरी के निकलते हैं। 15 minutes later। तो भाई अभी एक छोटी सी दिक्कत हो गई है। अभी मैं गया था नीचे, हमने नीचे गाड़ी स्टार्ट की, गए पार्किंग में, उसके बाद आइए तो वो क्लीनिंग के लिए आ गए हैं। तो भाई एक्चुअली हो गया, अभी स्टार्ट किया मैंने, नीचे गया था गाड़ी स्टार्ट की 5 बजे, तो गाड़ी ना स्टार्ट नहीं हुई हमसे। हम ट्राई कर रहे थे, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। पता नहीं सेल्फ नहीं काम कर रही है या बैटरी में कुछ दिक्कत है, कोई इंजन में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो लोचा हुआ है गाड़ी में। तो चलो कॉल किया फिर हेल्पलाइन को, वो कह रहे कि आधा पौना घंटा लगेगा आने में, तो बस उसी की वेट कर रहे हैं, उसी वजह से हम यहाँ पे स्टक हो गया। अभी कोई बात नहीं, रूम क्लीन भी हो रहे हैं, रुके हैं, वेट ही कर रहे हैं। चलो जैसे भी होता है, आगे का प्लान, आज प्लान था एक आपको अपना पुराने वाला होटल दिखाना था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो जाएगा आज, थोड़ा सा हो ही जाता है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो भी बोल रहे हैं कि गाड़ी तो न्यू है, सिर्फ 5,000 किलोमीटर चली है अभी तक, न्यू गाड़ी है, लेकिन फिर भी ऐसी दिक्कत। चलो हमसे कोई गलती हुई है या कुछ वैसे गलती हुई है, कुछ नहीं पता, जो भी होगा अभी पता लग ही जाएगा। बस आ ही रहा है बंदा उनका सामने। अभी हमारे पास 20-25 मिनट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक व्लॉग देख लूं, अपना नहीं। आज मैं आपको बताता हूं कि मैं सबसे ज्यादा व्लॉगिंग में किससे इंस्पायर हूं, सबसे ज्यादा मैंने किसको फॉलो किया है या किसको देख, जिसको मैं देख देख के मतलब सोचा कि मैं भी ब्लॉगिंग करूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो है मोहित मनोचा सर। मतलब इनके ब्लॉग बनाने का तरीका और इनके शॉर्ट्स लेने का तरीका एपिक, नेक्स्ट लेवल है। मुझे यार मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ इनसे। तो चलो इनका ब्लॉग देखते हैं अभी, के बाद आ जाएगा बंदा भी हेल्पलाइन वाला, फिर निकलते हैं। 15 minutes later। चलो भाई कॉल आ गई है, चलते हैं नीचे बेसमेंट में पार्किंग में। यार सारा दिन तो निकल गया, 6:30 हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी चाहते हैं कि मैं दिन में ना निकलूं, रात को ही निकलूं। हम आ गए हैं नीचे बेसमेंट में, जा रही है कार आगे। एक्चुअली हुआ क्या, भैया जो आए हैं सर्विस वाले, वो हमारे लिए एक नई कार लेके आ गए हैं, सेम कार फोर्ड की। मैंने कहा चलो चलते हैं, अभी लाइट नहीं आ रही है, एक मिनट लाइट ऑन करता हूँ। हाँ अब आ रही है लाइट आपको। तो हमारे लिए वो उन्होंने सेम कार लेके आ गया, मैं इसलिए उतर गया हूँ पीछे। हमें ना कार्ड लगा के पार्किंग मिलती है, मैंने कार्ड लगाया तो 2 गाड़ियां अंदर। तो ठीक है अभी वो नई गाड़ी लेके आएंगे, तो हम निकलते हैं यहाँ से, 7:45 हो गए हैं। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, देखते हैं। आज तो ज्यादा ही दिक्कत नहीं आ गई थी, लेकिन मैं परेशान नहीं होता हूँ यार अगर लेट हो गया तो, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मैं करता हूँ अच्छा करता हूँ, ये भी कुछ इसमें भी कुछ अच्छा ही होगी। अच्छा हुआ ना मैंने वीडियो बना ली, वो चेक करते हैं सारा कुछ लिखते हैं, तो बढ़िया हुआ कि मैंने उस दिन वीडियो बना ली थी जो आपको मैंने गाइड किया कि जब भी कभी बाहर आओ तो कोई गाड़ी रेंट करते हो तो वीडियो बनानी जरूरी है। तो अच्छा हुआ वीडियो बना ली, उनको दे दिया मैंने सारी सारी की, यहाँ यहाँ पे कुछ निशान थे उन्होंने लिख लिया है, मार्क कर लिया है। और दूसरी बात, जो गाड़ी देके गए हैं अब इसकी भी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो चलो पहले हम चलते हैं, बाद में वीडियो बनाते हैं। हम अभी पहुंचे हैं ब्लू वाटर आइलैंड। एक्चुअली जाने का कहीं और प्लान था, लेकिन रात काफी हो गई थी तो इसलिए हमने प्लान वो वाला कैंसिल किया, वो जो मैंने आपको बताया था गैलेरिया में जाने का, जहाँ पे हम पहले रुके थे, तो वहाँ पे नहीं गए हम। हम आए हैं ब्लू वाटर आइलैंड। तो चलो यहाँ पे भी हम गलत रूट पकड़ लिया था, यहाँ पे एक गलत रूट का मतलब होता है आधा घंटा खराब। तो रूट गलत हो गया था, रूट गलत के चक्कर में भाई गाड़ी कहीं से कहीं निकल गई। आउटर एरिया में चले गए हम दुबई के, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। आउटर एरिया से निकलते हुए फिर सीधा हमें दुबई की मेन सिटी दिखी, तब हम यहाँ पे आए। यहाँ से पूछते पूछते आए हैं, और बहुत ही प्यारी पार्किंग बनी हुई है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर चल के। ना अभी पार्क ना बाहर अलाउड नहीं है, पूरी पार्क अंदर तक करनी है, ठीक है। बस ये चीज़ बहुत ज़रूरी देखनी पड़ती है यार, कि हमारे ना इस लाइन के अंदर हो। ये सिस्टम है यहाँ पे, अपना नाम लिख के लाइसेंस प्लेट का, वो जो भी है पैसे आ जाएंगे और फिर भर के जाने हैं, पता लग जाएगा कितनी देर हम रुके हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिरहम आ जाएंगे वो पे करने हैं। यहाँ पे भी मैं आया हूँ लास्ट टाइम, घूमा तो सारा ही हूँ लेकिन वीडियो बन रही है इस बार। ओ भाई साहब ये देखो। ओहो क्यों है नहीं गलबात। ये मतलब ये भी रेस्टोरेंट है, इसमें आप बैठ के खाना वगैरह खा सकते हो। कोई ये वीडियो में पता नहीं लग रहा है आपको, बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे तो मैं बहुत ही ज्यादा घूमा हूँ, लास्ट ईयर बहुत घूमा हूँ यहाँ पे, लेकिन अब आपको वीडियो देखने को मिल रही होंगी, इंजॉय करो बस। हमने ना अभी एक बर्गर करवाया यहाँ पे, बर्गर बोलते हैं पता नहीं जो भी है वो करवाया था। मैंने बोला इनको विदाउट अनियन गार्लिक नहीं चाहिए, तो इन्होंने स्पेशल लिखा 9 large onions। मैंने बोला छोटा भी नहीं चाहिए। Without it.
मजा आ गया जबरदस्त औसम भाई नजारे ले रखे हैं इसने। आपसे बात करते करते ना आइसक्रीम भी पिघल गई मुझे ना ये जगह बहुत ही अच्छी लग रही है मैं सोच रहा हूँ उसका टाइम लैप्स बना दूँ चलो ट्राई करता हूँ ये जगह हमारे घर से होटल से बहुत ही पास है तो हम तो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे गाड़ी देनी है लेकिन रात को ही मजा आया इसमें तो ये ना ये वाली ये है जो यार्ड्स ये रेंट पे मिल जाती है लास्ट टाइम हमने भी ली थी मैं एक वीडियो डाल दूंगा आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं ये है मेरे पास होगी तो मैं डाल दूंगा यार व्यू है यार ऐसे नहीं बोलते कम टू दुबई भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी आ गए थे लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्योंकि अच्छी थोड़ी लोकेशन है फिर मैं इस साइड आ गया हूँ अब हमारे अभी ना चल रहे हैं फोटो शूट फोटोज वोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं इसके सामने अब तो यार जब बोर होंगे ना रात को तब यहाँ पे आ जाएंगे अब तो एक्चुअली अचानक हम यहाँ पे आए हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का दिन में प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि गाड़ी ख़राब होगी तो फिर शाम का प्लान बना कि चलो यहीं पे चलते हैं बहुत देर रुक गए यहाँ पे अब हम निकलते हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ तो यार दिल ही नहीं भरता बस बैठे रहो एंजॉय करते रहो वीडियो भी काफ़ी बना ली है फोटोज भी काफ़ी खींची है एक चीज़ तो अच्छी हुई अगर हमारी गाड़ी ख़राब नहीं होती आज तो हम यहाँ नहीं आते यहाँ नहीं आते तो हमें यार ऐसा नहीं होता कि क्योंकि मेरे को इस बार यहाँ पे आने का प्लान कोई नहीं था लेकिन फिर भी ओके यहाँ पे आप चलोगे ना आपको जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे परफ्यूम वाले खड़े होते हैं हर जगह आओ एक बार टेस्ट करो टेस्ट करो ऐसे ही हमें पकड़ लिया एक ने खड़े हैं दुकान पे मैंने कहा नहीं यार मेरा तो टेस्ट एक ही है वही कॉमरे नमाज वही फादर ऑफ परफ्यूम जो फाड़ू मज़ा आया था उसको लगा के वही लगाता हूँ मैं एक अच्छा लगता अदरवाइज मैं कोई नहीं लगाता इसकी ना अभी तक फुल शॉट नहीं मिला दूर दूर से मिलते हैं फुल शॉट यार तो चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं गाड़ी में यहाँ की नॉर्मल चीज़ है यार फरारी पोर्शे तो चलो हमें भी निकलने का टाइम आ गया अब वहाँ पे पैसे डालने हैं मतलब टिकट नंबर डालना है गाड़ी का और फिर पैसे डालने हैं कितने आएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से गाड़ी का नंबर है 8376 यहाँ पे पुट करेंगे कर दे पुट कर दे 60 दिरहम 3 घंटे भाई पार्किंग में बहुत दिमाग लगा इस मशीन में एक ही नोट लेता है 100 दिरहम का नोट डाला है 60 दिरहम और रखे थे हम 50 और 10 दिरहम डाल रहे थे हुआ नहीं फिर 100 दिरहम डाला फिर जाके हुआ 40 दिरहम वापस आ गए मीना बाजार पियेंगे मरिंडा दिल कर रहा था बहुत इसलिए मरिंडा पीते हैं पहले अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मीना बाजार से वही रूट यहीं से निकलना है भाई कहीं और से नहीं क्रॉस कर सकते सिर्फ यही लाइन है यहीं से जाओगे अभी ग्रीन हो रखी है होटल जाएंगे आज तो यार वैसे प्लान नहीं था कुछ भी होने का लेकिन अचानक हो गया अभी यार अकेला मरिंडा भी के आ गया तो सारे बोल रहे हैं ले हमारे लिए क्यों लेके आया कांच की बोतल तो बहुत टेस्टी होती है अरे ले जा लेके आ अब यार मैं दोबारा जा रहा हूँ मरिंडा निकलना वहीं से कोई और लाइन नहीं चूज कर सकते वहीं से निकल अब पता लगता ना भाई जो पी के आ जाते हो ना बोलना मत करो कि कुछ पी के आए हैं बस चुपचाप रहा कर भाई अब बोल दिया तो भाई जाना पड़ रहा है दोबारा तो भाई अब ले लिया मरिंडा एक्सरे बोतल उठा लिया मैंने अपने लिए भी उठा ली मैंने मैं भी तो पीऊंगा सारे पियेंगे तो और निकलते हैं यहाँ से कांच की बोतल यहीं पे मिलती है ये खुलती है बड़ी इजीली तरीके से बहुत इजीली तरीके से खुल जाती है ये भाई हम आ गए हैं पार्किंग में आवाज़ गूंज रही है ना होटल की पार्किंग है यहाँ पे रखे हैं चलो अब चलते हैं ऊपर सर आज तो बहुत लेट हो गए मेरे को लग नहीं रहा था कि आज हम लेट आएंगे मेरे को लगा आज हम जल्दी आ जाएंगे अब लेट हो गए तो कोई बात नहीं घर पे आ गए हैं लेकिन यार ये कर्टन ऐसे खुले पड़े हैं ना है भाई सब कुछ हो देखो दिखाओ व्यू जीरो इनको बंद कर देते हैं
अब बंद हो गए ना, बंद हो गए ठीक लगते हैं, खुले होते हैं ना बिल्कुल पारदर्शी, आस पास सब कुछ दिखता है। क्यों है सच में आज तो, आज मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आज इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन भटकते भटकते आपने भी जो शॉर्ट्स देखे अच्छा लगा वहाँ पे जाकर। अब अगर हम कभी फ्री होंगे तो हम जाएंगे वहाँ पे, तो ठीक है यार। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना आगे अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा।